वहाँ पे प्रियंका गांधी जी की सक्रियता जो हुई है उससे उनको लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग हजारों की तादाद में उनकी सभाओं में आ रहे हैं, चाहे बनारस की रैली बहुत सफल रही, चाहे गोरखपुर की रैली बहुत सफल रही, आगे भी रैलीज होंगी। तो लगातार उन्होंने कांग्रेस को एक रेकनिंग फोर्स बना दिया है कि कांग्रेस भी मतलब अब ये वहाँ पे हर तरफ नजर आ रही है। देखिए सरकार के पास कोई आंकड़े अपने आप को बचाने के बचे ही नहीं है, चाहे जीडीपी का हो। पहले से जो अर्थशास्त्री थे बोलते थे कि जीडीपी बहुत गिर गई, इन्होंने फर्जी आंकड़े देने की कोशिश की, उसमें भी एक्सपोज हो गए। अब अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब इन्होंने कर दी है कि इनके सामने कोई चारा ही नहीं है सिवाय जनता की जेब में डाका डालने का। पेट्रोल डीजल के जरिए लोगों से पैसा उगाहने का जरूरत से ज़्यादा। मैं तो देश का योजना मंत्री था, मैंने पहले भी कहा कि हमारे ज़माने में $120 बैरल तेल खरीदते थे, तब हम 67 रुपये में पेट्रोल देते थे और 60 रुपये 67, और डीजल जो है और भी कम 50 रुपये गल्ले पल्ले। और अब तो सिर्फ इनको 50, 60, 70 बैरल में आधे दामों पे बाहर से मिल रहा तेल, इसके बावजूद इतने महंगे दाम पे कि पता नहीं ये 150 रुपये लीटर पे जाके पेट्रोल रुकेगा, 125 रुपये लीटर पे जाके डीजल रुकेगा। उससे हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही, लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, गैस के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे क्या है, और उससे जनरल महंगाई जो आम चीज़ें हैं, चाहे खाने पीने की चीज़ें चाहे दूसरी चीज़ें, सबकी बढ़ाई है। क्योंकि जब भाड़ा बढ़ता है तो महंगाई बढ़ जाती है, तो ये लोगों की जेब पे डाका डाल रहा था। और बच्चे कुछ ही चीज़ें कहाँ से ले रहे हैं, तो जो जनता के बनाए हुए जनता के पैसे से पिछले 70 साल में जो बड़े बड़े वो बने थे सार्वजनिक उपक्रम, उद्योग धंधे, उन सबको बेचने का काम हो रहा। तो राष्ट्र की सारी संपत्तियां बेच के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, फिर राष्ट्र के पास बचे का क्या, सरकार के पास बचे क्या, किस चीज़ की सरकारें आगे होंगी जब उनकी सब संपत्तियां ही चली जाएंगी, बेच देंगे। और दूसरे जनता की जेब से डाका डाल के पेट्रोल डीजल सब में पैसे ले लेना, इससे ही अर्थव्यवस्था चला रही है, अर्थव्यवस्था नहीं चलती है ऐसे। अब